नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा गौर, आप सभी का स्वागत है द नगरी न्यूज में। करीब 6 महीने तक दफन रही हत्या की एक दहला देने वाली घटना आपको याद ही होगी, जिसमें अपनी लिव इन पार्टनर के मर्डर के बाद उसके बॉडी पार्ट को एक एक कर ठिकाने लगाया गया था और आसपास के लोगों को उसके खूनी खेल की भनक तक नहीं लगी थी। जब ये भेद खुला तो सारे शहर में हाहाकार मच गया था। ये कहानी पूरे देश को हिला देने वाले श्रद्धा मर्डर कांड की है, जिसके तमाम रहस्यों की कड़ियों को दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जोड़कर श्रद्धा के हत्यारे की पाप कुंडली तैयार की थी। एक सन की बॉयफ्रेंड जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के टुकड़ों को फ्रिज में संभाल कर रखा, जिन्हें वो हर रोज देखता था और उसके बाद एक एक कर चुपके से उन्हें ठिकाने लगाता था, जिसे सुलझाने में दिल्ली पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। श्रद्धा मर्डर कांड में साजिश के सूत्रों से लेकर सबूतों तक पुलिस के लिए कदम कदम पर चुनौती थी। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने कभी जंगलों की खाक छानी तो कभी पानी से भरे तालाब की तलहटी तक की खोज की, और अब फिर इस केस में नया खुलासा हुआ है। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर के पिता के सामने कबूल किया है कि उसने टॉयलेट में श्रद्धा के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और कुछ समय बाद उन टुकड़ों को छत्तरपुर पहाड़ी में फेंक दिया था। श्रद्धा के पिता विकास मदन वाकर ने दिल्ली की एक अदालत में गवाही दी है, जिसमें खुलासा किया कि आफताब पूनावाला ने 18 मई 2022 को उनकी बेटी की गला घोटकर हत्या की थी। आफताब उन्हें छत्तरपुर इनक्लेव में 100 फुटा रोड पर स्थित शमशान घाट मंदिर के पास ठीक उसी जगह लेकर गया जहां पर उसने बेटी के शरीर के टुकड़े फेंके थे, और बाद में दिल्ली पुलिस को उस जगह पर श्रद्धा की पेल्विक बोन के समेत लगभग 13 हड्डियां मिली थी। इसके बाद पूनावाला ने स्वीकार किया कि उसने शरीर के टुकड़ों को कूड़े की थैलियों में पैक किया था और उन्हें एक रेफ्रिजरेटर में रखा था। विकास वाकर की गवाही के अनुसार जब आफताब की नई प्रेमिका उससे मिलने आती थी तो वह फ्रिज से कचरा बैग निकालता था और शेल्फ पर रख देता था। शनिवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान कोर्ट में शरीर के अंगों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया रेफ्रिजरेटर और लकड़ी के टुकड़ों को भी पेश किया गया, जिन पर मृतक के खून के धब्बे होने का संदेह है। विकास वाकर ने सबूतों के इन टुकड़ों की सकारात्मक रूप से पहचान की, जिसके बाद पूनावाला और श्रद्धा के वीडियो और ऑडियो क्लिप अदालत में चलाए गए। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। इस मामले के आगे की सुनवाई जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।